अस्सलाम वालेकुम क्लास वन। क्लास वन आज देखिए आज हम क्या काम करेंगे। आप अम्मी के साथ कभी गए हैं बाजार? जब अम्मी कपड़ा लेने जाती हैं, गए हैं? आप में से काफ़ी बच्चे तो गए होंगे, और अगर अभी तक नहीं गए ना तो कभी एक दफ़ा अम्मी से कहिएगा ज़रूर आपको ले जाए। तो जब अम्मी कपड़ा खरीद रही होती हैं तो कपड़े को किस तरह वो मेजर करके आपकी अम्मी को देते हैं? इससे मेजर करके देते हैं। वो छोटा सा जो आपका स्केल होता है वो तो सिर्फ कॉपी के लिए होता है, तो ये भी एक स्केल है। ये क्या है? ये मीटर है, ये 1 मीटर है। कोई कपड़ा है, अम्मी कह रही है भाई इस बच्चे का जो है वो 3 मीटर में बनेगा, तो मुझे 3 मीटर कपड़ा दे दो। तो अब 3 मीटर, ये कितना मीटर है? ये 1 मीटर है। देखिए मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है। ये देखिए, ये पूरा 1 मीटर है, सही है? अब आप मुझे जरा जल्दी से बताइए, एलिफेंट देखा है? एलिफेंट देखा है ना? अब बताइए वो 1 मीटर से बड़ा होता है या 1 मीटर से छोटा होता है? देखा है ना एलिफेंट? जूलॉजिकल गार्डन गए हैं ना, तो जरा जल्दी से बताइए वहां पर जब आपने एलिफेंट देखा है तो एलिफेंट ये इससे 1 मीटर से बड़ा होता है या 1 मीटर से छोटा होता है? ये 1 मीटर है। कितना है ये? 1 मीटर है। कितना है ये? 1 मीटर है। ये इतनी जो भी चीज लंबी होगी हम उसे कहेंगे वो 1 मीटर है। हम उसे क्या कहेंगे? वो 1 मीटर है। इतनी लंबी जो भी चीज होगी हम उसे कहेंगे 1 मीटर है, ठीक है? अच्छा आप देखिए, अब जरा जल्दी से मुझे बताइए जो आपका एलिफेंट होता है, तो एलिफेंट, अब मैं यहाँ एलिफेंट का नाम लिख रही हूँ, एलिफेंट, ठीक है? एलिफेंट, अब जरा जल्दी से मुझे बताइए कि एलिफेंट 1 मीटर, ये जो अभी लेंथ मैंने बताई है ये कितनी होती है? ये 1 मीटर होती है। कितनी है ये? ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर। ये है 1 मीटर, 1 मीटर। अब शायद आ रही होगी पूरी कैमरे में, है ना? ये है 1 मीटर, सही है? तो आप बताइए मुझे एलिफेंट जो होता है 1 मीटर से छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है, यानी एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। एलिफेंट इज ग्रेटर देन, ये साइन किसका है? ये साइन किसका है? ग्रेटर देन किसका होता है? ये वाला साइन ग्रेटर देन। ये जो आपने साइन लगाया है ये किसका होता है? ग्रेटर देन। जल्दी से बताइए किसका होता है ये? ग्रेटर देन। ये देखिए ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर, THEN, देन, ग्रेटर देन, यानी एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। Elephant is greater than 1 meter. Elephant is greater than 1 meter. 1 meter से तो बहुत बड़ा होता है elephant, है ना? ये 1 meter तो इतना सा है, तो elephant तो इससे भी ज्यादा बड़ा होता है, तो elephant is greater than 1 meter. Elephant is greater than 1 meter. ये साइन किसका है? ये सिंबल किसका है? इसे सिंबल भी कहते हैं। किसका है ये? ग्रेटर देन। एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर।
एलिफेंट ग्रेटर देन होता है ना 1 मीटर से, तो देखिए ये जो मुंह खुला हुआ है, ये एलिगेटर का मुंह खुला हुआ है। हम चलेंगे सोच लेते हैं ये एलिगेटर का मुंह खुला हुआ है, तो जो बड़ी चीज होती है, जो ग्रेटर होता है, ये मुंह उसकी तरफ होता है, तो इसे कहते हैं एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। अब अगर मैं एक नंबर लिख रही हूं आपके सामने, मैं लिख रही हूं 6 और यहां मैं लिख रही हूं 5। अब जल्दी से बताइए मैं कौन सा साइन लगाऊंगी यहां पे। 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। किसका साइन है ये सिंबल किसका है? ग्रेटर देन। किसका सिंबल है ये? ग्रेटर देन। एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। और जल्दी से आंखें बंद करके ग्रेटर की स्पेलिंग बताइए मुझे। शाबाश। GREATER, ग्रेटर। और देन की स्पेलिंग? THAN, देन, ग्रेटर देन। बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। GREATER, ग्रेटर। THAN, देन, ग्रेटर देन। और एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। अच्छा एक और मैं लिख रही हूं, जरा जल्दी से आप मुझे बताइए अब यहां क्या आएगा। मैं लिख रही हूं 15 और यहां मैं लिख रही हूं 11। अब बताइए कैसे पढ़ूंगी इसे। 15 इज ग्रेटर देन 11, 15 इज ग्रेटर देन 11। कैसे पढ़ूंगी? 15 इज ग्रेटर देन 11। जल्दी से बताइए ग्रेटर देन की स्पेलिंग? GREATER, ग्रेटर। THAN, ग्रेटर देन, है ना। अच्छा आप जल्दी से बताइए मेरी जो हाइट है, हाइट समझते हैं ना मैं कितनी लंबी हूं, मेरी जो हाइट है वो 1 मीटर से बड़ी है या 1 मीटर से ग्रेटर देन है या 1 मीटर से लेस देन है। जल्दी से बताइए मैं 1 मीटर जितनी हूं या 1 मीटर से बड़ी हूं, 1 मीटर से ग्रेटर देन हूं। हाँ जल्दी से बताइए मैं 1 मीटर से ग्रेटर देन हूं या 1 मीटर से लेस देन हूं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा। चलिए अब ये मैंने देखे अपने पांव से लगाया हुआ है, नजर आ रहा है आपको क्या है ये? ये मीटर रूल है, ठीक है। आप देखिए मैं इसे मीटर रूल को पैरों पे लगा रही हूं, बिल्कुल मैंने फर्श पे लगा दिया। नजर आ रहा है मीटर रूल आपको? नहीं नजर आ रहा ना, तो इसका मतलब है मैं मीटर रूल से लेस देन हूं या ग्रेटर देन हूं। अब मैं यहां लिख रही हूं, है ना। आप देखें टीचर, टीचर, मैं टीचर हूं ना, अब बताइए। और 1 मीटर, अब बताइए जल्दी से कौन सा साइन लगाऊंगी मैं यहां पे। ठीक, लेस देन हूं मैं या ग्रेटर देन हूं? ग्रेटर देन 1 मीटर। और अच्छा आप अपना बताइए, आप 1 मीटर से लेस देन है या ग्रेटर देन है? ये देखें यू करके बताती हूं मैं, वन क्लास में है ना आप। अब बताइए आप क्या होंगे, लेस देन होंगे ग्रेटर देन होंगे? लेस देन मीन कम, ग्रेटर देन मीन ज्यादा। चलिए एक और चीज आपसे पूछती हूं मैं, तो यानी टीचर जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 मीटर, टीचर ग्रेटर देन 1 मीटर। अच्छा चलिए, बोर्ड तो आपको नजर आ रहा है ना,
ये बोर्ड तो आपको नजर आ रहा है ना, जल्दी से बताइए, ये 1 मीटर से ग्रेटर देन है। अब मैं बोर्ड, ये बोर्ड लिख के बता रही हूं आपको, बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए बोर्ड जो है वो 1 मीटर से ग्रेटर देन है या लेस देन है। देखिए मेजर कर लेते हैं, ये देखिए वो तो बड़ा है, बोर्ड तो बड़ा है इससे, ग्रेटर देन है। तो अब क्या आएगा यहां पे, ग्रेटर देन बोर्ड इज, बोर्ड इज ग्रेटर देन 1 मीटर, बोर्ड इज ग्रेटर देन 1 मीटर। अच्छा चलिए और कुछ मेजर करें। अब ये मेरे हाथ में स्टिक है, मीटर से ग्रेटर देन है लेस देन है, लेस देन है। अब ये मेरे हाथ में स्टिक है ना, तो चले मैं इसे लिख रही हूं स्टिक, ठीक है। अच्छा आप 1 मीटर, अब जरा जल्दी से बताइए, ग्रेटर देन है लेस देन है, ग्रेटर देन तो नहीं है, तो यानी ये चीज जो है ये यहां आ जाएगी। अब लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे, स्टिक इज लेस देन, क्या पढ़ेंगे, स्टिक इज लेस देन 1 मीटर, स्टिक इज लेस देन 1 मीटर, लेस देन है ना। अच्छा आप जरा जल्दी से बताइए ये क्या है, डस्टर जी, ग्रेटर देन 1 मीटर है लेस देन 1 मीटर है, लेस देन। चलिए लिख के बता रही हूं मैं, ये डस्टर है ना, डस्टर जी, लेस देन का साइन लगाऊं या ग्रेटर का लगाऊं, लेस देन, लेस देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर, ठीक है। अच्छा चलिए और भी कोई चीज देखें, ये देखिए ये, अच्छा आप जरा जल्दी से बताइए ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, ये एक बैग है, कैमरे का बैग है ये, अब बताएं मुझे कि लेस देन 1 मीटर है या ग्रेटर देन 1 मीटर है। चले इसे मेजर करके दिखा देते हैं, ये देखिए तो ये तो लेस देन हुआ है ना, ये बैग लेस देन हुआ। तो अब मैं, अब बैग की तो पिक्चर नहीं बना रही मैं, तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अब बोर्ड की जगह क्या लिख लेती हूँ, बोर्ड की जगह मैं लिख लेती हूँ बैग, बैग, ठीक है। अब 1 मीटर से बताइए लेस देन था या ग्रेटर देन था, कैसे क्या था, लेस देन था, क्या था, लेस देन था, ठीक है। अच्छा सर जल्दी से बताइए, आपकी पेंसिल, आप जो पेंसिल यूज करते हैं जरा जल्दी से बताइए, लेस देन 1 मीटर है या लेस देन 1 मीटर है या ग्रेटर देन 1 मीटर है, लेस देन 1 मीटर है ना। पेंसिल तो इतनी बड़ी थोड़ी पेंसिल होती है, पेंसिल तो लेस देन है ना, पेंसिल इज लेस देन 1 मीटर। अब याद रहेगा आपको, अब मैं चले फिर आपको याद करवा देती हूँ, लेस देन क्या सिंबल होता है, लेस देन का ये वाला, और ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन ये वाला, याद रहेगा। चलिए पढ़ लेते, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन। अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 127 पर जो काम है, ग्रेटर या लेस देन ये साइन आपने लगाना है वहां पे, सही है।